नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल माधव एंड ब्लॉग में। मैं गोविंद माधव मिश्रा आज आपके लिए एक ब्लॉग लेकर आया हूँ जो कि है एक और रनिंग रूम से रिलेटेड। ठीक है, तो थोड़ा ओवरव्यू दूंगा मैं इसमें। कानपुर रनिंग रूम का ये ब्लॉग है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। और मैं गया था, जैसे एक ड्यूटी मेरी कानपुर लगी थी, तो ऑफ़ करने के बाद, ऑफ ड्यूटी के बाद में मैंने सोचा थोड़ा सा एक ब्लॉग इसका बना दिया जाए, थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाएगा कि कानपुर रनिंग रूम किस टाइप का है। ठीक है, तो देर ना करते हुए जो है मैं ब्लॉग शुरू करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का कानपुर का रनिंग रूम है। ठीक है, और सबसे पहली चीज़, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे कि और लोगों तक ये वीडियो मेरी पहुँच सके। और अगर कोई भी क्वेरी वगैरह आप लोगों की रहती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पर मैं मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कमेंट्स हो सकता है, कभी कमेंट्स में ना कर पाऊँ, मतलब मिस हो सकता है, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैं जब भी रेगुलर आ जाता हूँ, और आप लोगों ने देखा होगा जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करिए। बाकी एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने दे रखा है, जिस पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो मैं उस पर जो है शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेक्निकल माधव एंड ब्लॉग करके ही नाम है, और लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। पहली बात तो आप वहाँ जाकर सारे जिस जिस जगह फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं मेरे से कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले, और दिखाता हूँ आपको कि कानपुर रनिंग रूम किस तरीके का है। वीडियो को एंजॉय करिए, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। तो ये है मेन एंट्री, लोको पायलट रनिंग रूम कानपुर सेंट्रल। ठीक है, तो ये यही मेन एंट्री है, यहाँ से जो सारे लोग एंट्री करते हैं। और ये सामने देख रहे होंगे एक भाई साहब हैं, ये लोको पायलट ही होंगे यहाँ पर, जो कि भोजन करने के बाद टहल रहे हैं। अगर आप लोग भी भोजन करने के बाद नहीं टहलते हैं तो ये गलत चीज़ है, टहला करिए थोड़ा, इससे भोजन जो है पचने में सहूलियत रहती है। तो ये मेन गेट से अंदर जैसे ही हम घुसते हैं तो यहाँ राइट साइड में देखेंगे ये थोड़ा बैठने का स्पेस बना हुआ है। यहाँ पर पौधे वगैरह लगे हुए हैं, कुछ पेड़ वगैरह हैं, देख रहे होंगे जैसा कि आप। थोड़ा रात का समय है तो वीडियो इतनी अच्छी नहीं आ पाई है, मोबाइल से ही बनी हुई है, क्योंकि कैमरे से तो शूट नहीं कर सकते इस तरीके से, मोबाइल से बनी हुई है। तो ये जो हम आगे बढ़े थोड़ा सा मेन एंट्री से, फिर ये देखिए, ये एक बिल्डिंग जो आपको दिख रही थी, बताएंगे अभी क्या है। उससे पहले ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो बैठने के स्पेस था, फिर उससे ही लगा हुआ यही ये बिल्डिंग जो है ये भोजनालय है। ठीक है, यहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं हम लोग आकर। इसका एक उधर से भी गेट है, अभी दिखाएंगे। सबसे पहले फिर देखते हैं यहाँ पर, ये स्वागत कक्ष है, यहाँ पर आकर एंट्री होती है हम लोगों की, हम लोग एंट्री करते हैं, फिर यहाँ से रूम अलॉट होता है कौन से रूम में हमको जाना है। ठीक है, अब यहीं से ये देखिए राइट हैंड साइड मुड़ेंगे तो इधर से भी एक गेट है भोजनालय के लिए, यही सामने देख रहे होंगे आप। तो फिर उसके बाद में ये नीचे रूम बने हुए हैं कुछ, 110 नंबर रूम है ये, तो यहाँ 100 सीरीज से चल रहा है, 108 109 इस तरीके से इस लेन में है। ठीक है, फिर ये स्वागत कक्ष के पड़ोस से ही जीना ऊपर के लिए गया हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये स्वागत कक्ष है। तो इसके सामने इधर अगर आप राइट साइड जाएंगे इधर भी रूम बने हुए हैं। अब आप इधर सीधे कमरा नंबर 21 से 40 जो अभी बोर्ड पर लिखा हुआ था, तो आप सीढ़ियों से ऊपर चले जाइए तो कमरा नंबर 21 से लेकर 40 तक इधर ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। ये सर्व करने वाली महिलाएं हैं जो वहाँ काम करती हैं, वही थी, ये कुछ बोल रही थी मेरे से, शायद इनको लग रहा था कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन होता है कभी कभी कि फेस मैच कर जाता है, मैं तो पहली बार ही गया था। फिर ये सीढ़ियों से ऊपर आए तो इधर भी रूम बने हुए हैं ये सारे, और इस साइड भी रूम बने हुए हैं जो अभी राइट में भी दिखाऊंगा मैं आपको ये। ठीक है, तो दोनों साइड
एल शेप में है, ये दोनों साइड रूम बने हुए हैं, काफ़ी बड़ा है, ठीक ठाक रूम है इसमें। मैं दिखाऊंगा आपको कि मुझे कौन सा नंबर रूम मिला था, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ रूम अच्छे खासे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट हैं, खाना खाकर आ रहे हैं। ऊपर ये कार्यालय के नीचे वाचनालय लिखा हुआ है, वाचनालय है ये, यहाँ गया नहीं हूँ मैं। फिर ये खिड़की दे रखी है इधर आउटसाइड के लिए, ये देखने के लिए, देखिए बाहर दिख रहा है। ठीक है, ये छत पे जाने के लिए एक और स्टेयर्स दी हुई है। फिर ये वही एल शेप में जो रूम बने हुए हैं इधर और अभी पीछे साइड दिखाया था। फिर इसके बाद में देखो यहाँ इस फ्लोर से भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बाहर की तरफ दिखेगा, तो चलते हैं थोड़ा आगे। ये देखिए यहाँ से ये भी भोजनालय यहाँ से दिख रहा है, हमारा किचन जो है, सारे लोग बैठकर खाना खाते हैं। फिर उसके बाद वही जो खिड़की अभी दिखाई थी, ये देखिए 401 नंबर रूम था पहला, इधर इधर 400 की सीरीज शुरू हो जाएगी। अब ये मेन एग्ज़िट है, जो अभी एंट्री जिससे आए थे ना हम अंदर, वही सामने दिख रहा है। देखो यात्रा लिखा हुआ क्लियर इसमें दिख नहीं पा रहा, वो दो लोग अंदर आए और ये भाई साहब अभी टहल ही रहे हैं वहाँ। तो ये एग्ज़िट है, सिंपल सा पैटर्न है, बस गया था तो मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर ली जाए, आप लोगों को दिखा दी जाए कैसा है रनिंग रूम। इससे होता है क्या है कि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा, जो लोग लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा लगता है कि देखते हैं ये सब चीज़ें। चलिए अब मैं रूम दिखाता हूँ जो मुझे रूम अलॉट हुआ था। उधर 401 से शुरुआत थी, इधर 300 की सीरीज है शायद, जहाँ तक है याद नहीं है, देखिएगा कौन सा दिखाता हूँ मैं, कौन सा नंबर रूम है मेरा, भूल गया, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर गए, समय शूट की थी वीडियो, 304 नंबर ये मेरा रूम है। तो दिखाऊंगा मैं इसको आपको अंदर से, चलिए अंदर चलते हैं। तो जैसा जीएमसी रनिंग रूम में आपने देखा था कि चार लोग थे एक एक रूम में, इसमें दो बेड आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ जो है दो बेड का सेट है पूरा, असिस्टेंट और ड्राइवर, जिससे कि डिस्टरबेंस नहीं होता है। प्रॉपर नींद ज़रूरी होती है, ऐसा आप जानते हैं। सामने मेरा बैग रखा हुआ है, एसी लगी हुई है, और इधर ये अटैच लेटरिन बाथरूम है, तो ये ठीक रहता है, इसमें डिस्टरबेंस नहीं रहता ज़्यादा कि कोई बार बार आ रहा है जा रहा है। प्रॉपर नींद तो चाहिए कि भाई, वर्किंग एसी, फैन भी है, सब कुछ है, सुविधाएं ठीक रहती हैं, कुछ ऐसा नहीं। ये देखिए इस साइड से भी दिखा देता हूँ, ये एग्ज़िट के लिए गेट है, यहीं से एंट्री है, ये हमारे लोको पायलट जी का सामान है सब। अब ये एक झलक किचन की देख लीजिए, उसके बाद ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं खास, ये है किचन। तो ये जो अभी आपने देखा, ये था कानपुर का रनिंग रूम, जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और मतलब बाकी और रनिंग रूम से मुझे बेहतर लगा। एक बनारस का रनिंग रूम बहुत अच्छा है, और बाकी उसके बाद कानपुर का भी ये रनिंग रूम बहुत बढ़िया लगा है। ठीक है, ये अच्छा है, शायद आपको भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा किस तरीके का आपको ये लगा। और इसी टाइप की और वीडियोस और ब्लॉग्स पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो लाइक करिए, कोई क्वेरी है कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में भी, और बाकी आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और इंस्टाग्राम तो है ही है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से, तब तक के लिए टेक केयर।